like a hell cut. So hello friends, this is Low96 here. आज मैं करने वाला हूँ एक छोटे से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग. प्रोडक्ट छोटा है बट इसका काम बहुत बड़ा है. और ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर है मुझे सिमटेक टेक्नोलॉजी से. इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार बताया है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, आप देख सकते हो. मैंने पहले भी इसके वीडियो बनाए हैं, मतलब एक ही वीडियो बनाया. मेरे पल्सर 220 के लिए मैंने वो प्रोडक्ट मंगाया था. और बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके और बहुत अच्छा है. तो मैंने ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग की हुई है. ये कुछ इस तरह के पैकेट्स में आते हैं बबल रैप के साथ. आप देख सकते हो इसे कुछ इस तरह से बबल रैप में. और प्रोडक्ट ये है. तो चलो बिना वक्त गवाए इसके मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ. तो कुछ इस तरह से थर्माकोल के इसमें आते हैं शीट्स में. और प्रोडक्ट ओपन करते ही इसके साथ हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड कुछ इस तरह का, देन एक कवर. और उसके अंदर आता है एक छोटा सा ये एडप्टर. फोकस, ओके. सो इसके बारे में जानकारी थोड़ी बहुत देना चाहता हूँ. ये वाटरप्रूफ है और प्लस ये KTM के शायद से सारे मॉडल्स में चलता है. 200-250 में यहाँ पे उसकी जानकारी है जो मैं ओपन करता हूँ. और आपको स्क्रीन पे इस वक्त मैं वो जानकारी डिस्प्ले कर दूँगा. तो है कुछ इस तरह से. तो ये KTM DUKE 390, KTM DUKE 250, KTM DUKE 200, KTM RC 390, KTM RC 200, इन सारे बाइक्स में ये प्रोडक्ट्स चलेगा. और इसके बारे में अभी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये 35 प्लस पैटर्न्स है इसके अंदर. 35 प्लस मतलब बहुत सारे हो गए. और दूसरी इसकी और अच्छी बात ये है कि इसमें एक मेमोरी सिस्टम है जिसमें आपका जो फेवरेट पैटर्न है वो ये याद रखेगा. मतलब आपको बार बार उसको क्लिक करते 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 या फिर सेट करते करते वो पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जो आपको पसंद है आप उस पर इसको रख के लॉक कर दोगे या फिर गाड़ी बंद कर दोगे तो ये अपने आप जब आप चालू करोगे तो उसको वो पैटर्न आपका याद होगा तो वो वापस से उसी पैटर्न पर जाएगा. और दूसरी और इसकी एक खास और अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी तरह की वायरिंग कट और ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको डायरेक्टली प्लग कर सकते हो एंड प्ले, प्लग एंड प्ले. तो इस तरह का है. और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो आपको गाड़ी में कहाँ पे भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ यही पार्ट कनेक्ट करना है, दैट्स इट. अगर आपको एडिशनल वहाँ पे बटन इसका करके लेना है कि क्लिक और क्लिक बटन करके ऑन ऑफ सिस्टम करना है, ना कि आपके टर्निंग लाइट्स के इसमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ वन अडेप्टर बोल सकते हो या फिर एक किट बोल सकते हो बटन का. उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज़ आप ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट करके अपने गाड़ी के टर्निंग इंडिकेटर्स से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो. और बाकी की जानकारी मैं आपको इसको इंस्टॉल करते करते दे दूंगा. तो चले हम नीचे चलते हैं और इसकी इंस्टॉलिंग करते हैं और आपको बाकी की जानकारी देते हैं. सो हाय, हम लोग नीचे आ चुके हैं. हालांकि ये बहुत दिनों बाद मैंने वो वीडियो स्टार्ट किया है क्योंकि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे. तो आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में मैं जब बोला हूँ कि मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे बाल भी छोटे रहेंगे, दाढ़ी भी इतना नहीं रहेगा. तो अभी आप देख सकते हो कि सब बढ़ गया है. और हाँ, सेकेंड चीज़ ये कि मैंने KTM DUKE 390 पे बोला था करने के लिए, बट मैं मना रहा हूँ KTM DUKE 200 ओल्ड मॉडल पे. क्योंकि क्या हुआ है कि मैंने YouTube पे बहुत सारा सर्च किया कि मेरे बहुत सारे बाकी जो भाई है YouTube पे उन्होंने KTM DUKE 390 पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी न्यू जनरेशन पे, और 250 पे भी है, सारे न्यू मॉडल्स पे है, RC पे भी है. तो मैं चाहता था, मैंने क्या सोचा कि मैं ओल्ड पे बनाता हूँ. अगर ऑलरेडी दूसरों ने बना दिया है तो ओल्ड पे किसी ने बनाया नहीं कि ये किट ओल्ड में लगता है क्या. तो ओल्ड है, उसमें हम लगा के देखेंगे और आपको दिखाएंगे, बने रहिए. तो सबसे पहले हमें सिमटेक का ये प्रोडक्ट लगाने के लिए सीट खोलनी पड़ेगी पीछे की. तो इजीली मैंने पहले ही निकाल के रखी हुई है ताकि आपको इजीली दिखा सकूँ. देन ये प्रोडक्ट हम निकाल के लेते हैं बाहर. ओके, क्लोज. हमें ये लगाने के लिए ये जो बॉक्स है इसको यहाँ से पिन से दबा के निकालना पड़ेगा. ये निकालने के बाद आपको इसके पीछे एक किट मिलेगा जिसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हो, जिसमें ये इस तरह की वायरिंग रहेगी. तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये प्लग को डिस्कनेक्ट करके बस इजीली रिमूव करना है, दैट्स इट. ये निकाल दिया, देन आपको ये सिमटेक का ये जो यहाँ पे मार्किंग है वो इसके साथ लॉक के साथ मैच करके इजीली इसमें डाल देना है. और ये यहाँ पे
लॉक्ड हो जाएगा, दैट्स इट, ख़त्म। और ये जो मैंने आपको घर में भी बोला था, मतलब ऊपर जब अपन वीडियो बना रहे थे, तो इसके लिए आपको अलग से कनेक्शन है, आप चाहिए तो हैंडल में इसके लिए अलग से बटन लगा सकते हो उसके लिए, अदरवाइज आपको इसको किधर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ऐसे ही छोड़ देना है। तो सिमटेक किट यहाँ पे अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, तो जैसे हम की ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक बार लाइट ब्लिंक होगा, ये सिमटेक का एक फंक्शन है, तो आप देखो एक बार लाइट ब्लिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको ब्लिंकर सिस्टम ऑन करना है तो सिंपली आपको लेफ्ट राइट सेंटर दबाना, इसके बाद ये अपना ब्लिंकिंग चालू कर देगा, कुछ इस तरह से। और आपको अगर मोड चेंज करना है तो वापिस से आपको लेफ्ट राइट सेंटर दबाना है, जिससे ये मोड्स चेंज कर देगा, कुछ समय के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर, ये दबाते ही आपके मोड्स चेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और इन द सेंस आपको रास्ते में गाड़ी बंद करना पड़ा या फिर आपने कीज ऑफ किया तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे आप की ऑन करोगे तो इसमें मेमोरी सिस्टम है, तो जैसे आप इसका की ऑन करोगे तो वापस से जो ब्लिंकर आपने सेट किया था उसी पे जाके वापस से ब्लिंक होने लगेगा कुछ इस तरह से। और सडनली अगर आप हाईवे पे हो, आपका ब्लिंकर चालू है और अगर आप लेफ्ट जाना चाहते हो और अगर आपने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया तो डायरेक्टली लेफ्ट का इंडिकेटर रन होना चालू रहेगा, बाकी के जो ब्लिंकिंग सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, तो कुछ ये इस तरह से काम करता। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपका जो पहले वाला प्रीवियस जो ब्लिंकर था, यानी कि ये, अगर आपको ये पसंद है और आपको वापस से अगर यही चाहिए और आप आगे गए हो तो बस आपको क्या करना है, आप लेफ्ट राइट सेंटर दबा रहे थे उसका अपोजिट करना है, राइट लेफ्ट सेंटर, तो आपका पिछला वाला जो ब्लिंकर था वो वापस आ जाएगा। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट कहनी थी कि थैंक्स टू सिमटेक टेक्नोलॉजी, उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट दिया जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाया आज, तो थैंक यू मुझे स्पॉन्सरशिप करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू माजिद भाई जिन्होंने मुझे ये गाड़ी दी, ये KTM DUKE उनकी है, तो थैंक यू माजिद भाई आपने बाइक मुझे दिया जिसकी वजह से मैं वीडियो बना पाया। और सॉरी सबके लिए, सिमटेक टेक्नोलॉजी के लिए भी और मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से ये मेरा ब्लॉग बहुत ही डिले आया है, मतलब बहुत ही दिनों के बाद मैं बना पाया हूँ। तो स्पेशल थैंक्स माजिद भाई एंड सिमटेक टेक्नोलॉजी, एंड थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो एंड करने के इस गाई में तो मैं एक चीज़ भूल ही गया, ये प्रोडक्ट की प्राइस, ये प्रोडक्ट की प्राइस है 1299, और इसमें शायद कुछ ऑफर्स वगैरह चलता रहेगा तो आपको सस्ते में मिल सकता है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और सबसे दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोडक्ट अपना मेड इन इंडिया है, अपना इंडियन प्रोडक्ट है, तो बिंदास लेना। और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने मेरे पल्सर 220 में यही प्रोडक्ट डाला है और आप इसका वीडियो जाके देख सकते हो, आज भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है स्मूथली और सर्विस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लव 96 ईयर। आज मैं फिर से करने आया हूँ एक छोटी सी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट छोटा है बट इसका पावर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो ये प्रोडक्ट है स्पॉन्सर्ड बाय सिमटेक टेक्नोलॉजी, इन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की है इसकी, ये प्रोडक्ट मुझे भेजा है। और